बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल नसरीन किचन एंड ब्लॉग्स। में आज की रेसिपी है चिकन पकौड़ी। ये देखिए चिकन है, ये चिकन को इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कट कर लीजिए, मीडियम साइज पीसेस। चलिए छटपट बनने वाला चिकन पकौड़ी दिखाती हूँ आप लोगों का, आज सिंपल और ईजी रेसिपी, फास्ट फास्ट से। ये देखिए 2 चम्मच अदरक लहसुन डाल लीजिए, टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ी सी हल्दी, दो चम्मच लाल मिर्च, और इसमें डालेंगे चिकन मसाला, इसमें ही एक अंडा डाल लीजिए। अब डाल के इस सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कीजिए इस तरीके से। देखिए अच्छे से मिक्स कीजिए इस तरीके से, सारे मसाले चिकन को अच्छे से लगे। थोड़ा सा फूड कलर, इसमें ही डालेंगे 2 चम्मच चावल का आटा, इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। जितना मिक्स करेंगे उतना मसाले चिकन को लगेंगे, इस तरीके से लगाइए। इसमें ही निचड़ेंगे 1/2 नींबू, थोड़ा सा गरम मसाला, और इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। डाल के फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको ढक्कन डाल के 5 मिनट के लिए रख देंगे, मसाले अच्छे से चिकन को लग जाते। चलिए मिलती हूँ 5 मिनट बाद। ये देखिए कढ़ाई में तेल डाल के गैस पे रख चुकी हूँ, तेल गर्म हो चुका है, और ये चिकन है, चिकन को अच्छे से मसाले लग चुके हैं मसाला। ये देखिए एक एक करते रहिए, तेल में छोड़ेंगे, मीडियम फ्लेम पे तलेंगे ये चिकन को। झटपट बनने वाला सिंपल और इजी चिकन पकौड़ा है ये, जरूर ट्राई कीजिए मेरे बताए हुए तरीके से। आपके पास चावल का आटा नहीं रहा तो आप कॉर्नफ्लोर भी यूज कर सकते हैं, चावल का आटा डालने से क्रिस्पी रहते। देखिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई होने देंगे, फास्ट पे रहे तो अंदर से फ्राई नहीं होते, कच्चा नहीं जाते। देखिए इसमें ही डालेंगे कटी हुई हरी मिर्ची, ये डाल देंगे, उसके साथ ये भी फ्राई हो जाता। मीडियम फ्लेम में तलेंगे, देखिए हमारी पकौड़ी हो चुकी है, अब इसको निकाल लेंगे माशाल्लाह। देखिए देखिए पकौड़ी एकदम कड़क हो चुकी है, अब इसको निकाल लेंगे। देखिए बाकी के उसको भी फ्राई करेंगे,
ठीक है, हमारी पकौड़ी हो चुकी है, ये भी इसको भी निकाल लेंगे माशाल्लाह। सिंपल और इजी रेसिपी है, झटपट बनने वाली चिकन पकौड़ी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए, और हमारे चैनल में कोई नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे झटपट बनने वाली सिंपल और इजी रेसिपी के लिए। देखिए इसमें ये हरी मिर्ची ऐड करेंगे, देखिए कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची को निकाल लेंगे, फ्राई हो चुका है। देखिए हमारी चिकन पकौड़ी बन चुकी है, झटपट सिंपल और इजी रेसिपी माशाल्लाह, बहुत ही टेस्टी यम्मी यम्मी चिकन पकौड़ी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए, और सिंपल इजी तरीके से दिखा चुकी हूँ मैं। और मेरी ये चिकन पकौड़ी कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल की घंटी को ज़रूर क्लिक कीजिए, और ऑल ऑप्शन को भी क्लिक कीजिए। मेरा आने वाला जो भी नोटिफिकेशन है फौरन आप तक आ जाएगा। मैं फिर मिलती हूँ आपसे अगले रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।